इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा। यस, आई वॉज दैट एक्साइटेड नाउ, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। और मैं बहुत हैप्पी थी। वट एवर वॉज गोइंग ऑन, वट वॉज गोइंग ऑन, माई ट्रांसफॉर्मेशन। आई वॉज वर्किंग ऑन माई लुक्स, आई वॉज वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी नाइसली एट इट्स प्लेस। आई वॉज हैप्पी। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति शर्मा और आज मैं आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा कुछ बताती हूँ, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था। अब हुआ ये इवेंचुअली कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि दैट येस आई नीड टू ट्रांसफॉर्म बिकॉज इट वॉज द डिमांड ऑफ दैट प्लेस, ऑफ दैट पोस्ट। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। डिनाइल में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा चेंज करते हैं। और वो तो यू नो ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छा ही होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, ये मेरा बिलीफ है। लेकिन इट वॉज नॉट बॉलीवुड वे कि आज आप पार्लर में गए हो, 2 घंटे बाद निकले तो आप कुछ और हो। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। आई हैड टू वर्क ऑन दैट। लेकिन वो जो वर्क हो रहा था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे न्यू न्यू स्टफ़ बाय करने का चांस मिल रहा था। मैं नई चीज़ें खरीद रही थी, अपनी वार्डरोब चेंज कर रही थी। तो मैं आई डेंट वॉन्ट टू स्विच फ्रॉम ट्रेडिशनल टू वेस्टर्न, आई वॉन्टेड टू स्टिक टू साड़ीज़ ओनली। लेकिन साड़ीज़ अलग टाइप की साड़ीज़ जो थोड़ी ऑफिशियल वेयर लगे, जो थोड़ी अच्छी लगे, मतलब उसके हिसाब से ना, अपनी जॉब के हिसाब से। तो आई बॉट दैट सो मैनी एट वंस और उसको मैंने चेंज किया और अपनी बाकी चीज़ें देखी कि मैं हाउ कैन आई लुक गुड, और क्या मेरे अंदर चेंज आया मेरे लुक्स में, कैसे मैं दिखने लगी, कैसी मैं दिखती थी, वो आपको आगे दिखेगा। क्या चेंज आया उसके बाद मेरे लुक में, ये आप देख सकते हैं। 2011 में मैं कैसे दिख रही थी और 2012 में मैं कैसे दिखने लगी। एंड इट वाज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर श्योर एंड आई लाइक दैट। आई वाज लविंग माय न्यू लुक। इवेंचुअली आई वाज हैप्पी, I was looking good, my communication skills were improved। और वो कैसे इम्प्रूव हुई, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब यही लाइफ है, यही डेली करना है। अब जो काम डेली करना है, हर वक्त करना है, उसकी तो आपको हैबिट ही डालनी पड़ेगी और तो कोई वे आउट ही नहीं है। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। ओके ठीक है भाई, अब आ जाने तो हो जाएगा। तो वो भी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो गया, सब कुछ हो गया। इस बीच एक और शौक आया मेरी लाइफ में। हुआ ये कि व्हेन आई वाज वर्किंग एज दी कोऑर्डिनेटर ओवर देयर, अब मैं कोऑर्डिनेटर थी, सब कुछ देखती थी, बट मैं होती रिसेप्शन पे ही थी। तो वहाँ पे टीचर्स एवरीवन, लाइक अगर पेरेंट्स की कोई कंप्लेंट आई है तो आई वाज द वन हु यूज्ड टू आस्क टीचर्स कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाउ, व्हाई डिडंट यू मैनेज इट, व्हाई डिडंट यू डू इट वेल, सारे क्वेश्चंस होते थे। तो उसी दौरान प्राइमरी विंग की हमारी एक टीचर थी, वो बिकॉज शी यूज्ड टू अगेन लुक गुड, उसको हमारी जूनियर ब्रांच का हेड बना दिया गया। एंड शी टुक ओवर द चार्ज एंड शी वेंट देयर। लेकिन क्योंकि वो जूनियर ब्रांच थी और ये वाली ब्रांच मदर ब्रांच थी, उन्हें अपनी हर एक नीड के लिए यहाँ से चीज़ें मंगवानी पड़ती थी। सो वन फाइन डे शी कॉल्ड अप एंड शी आस्क्ड टू टॉक टू मी एंड सेड कि स्वाति मुझे ये सामान यहाँ पे चाहिए तो भिजवा दे। एंड आई टोल्ड हर कि यार सुन, एक काम कर, मैं स्टोर जो इंचार्ज है उसको बोल देती हूँ, तो उसको फ़ोन कर ले एक बार, वो तेरे को सामान भिजवा देगी और तू अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट जो है मेल कर दे और स्टोर इंचार्ज को मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँगी। इट विल बी सेंट टू यू। एंड बिफोर कीपिंग इट डाउट, बिफोर हैंगिंग इट अप, शी सेड कि स्वाति वेट वेट वेट। आई सेड व्हाट हैपेंड? शी सेड स्टॉप कॉलिंग मी बाय माई नेम नाउ, डोंट कॉल माई नेम, कॉल मी बाय माई नेम बट कॉल मी मैडम। आई एम मैडम now, I'm your madam. And I was like, oh my god, what has happened to her? Till yesterday I was questioning her, now she doesn't want me to call her by her name again। वो एक शॉक हो गया, डेरोगेटरी हो गया। फिर मुझे फील होने लग गया कि भाई ये तो मुझे डिमीन किया जा रहा है, मेरी तो इंसल्ट हो गई। उसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया? और मुझे तो पूरा राइट होना चाहिए सबको नाम से बुलाने का, क्योंकि मैं तो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं तो सब कुछ देख रही हूँ। एंड अगेन अब मेरे दिमाग में फितूर चढ़ गया कि अब तो मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे तो टीचिंग में जाना है, टीचिंग में जाऊँगी, डिपार्टमेंट हेड बनूँगी, फिर ब्रांच हेड बनूँगी या कुछ भी करूँगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उन्होंने मुझे एज़ यूजुअल जैसे मैं उनसे सब डिस्कशंस करती थी, कुछ भी इशू आता था, अगेन आई डिस्कस इट विद हिम एंड ही नेवर यूज टू डिस्करेज मी और जज मी कि क्या तुम हर बात को ऐसे लेके आ जाती हो, या क्या तुझे हर प्रॉब्लम होती है, क्या तुझे ऐसे लगता है, क्या तुझे ऐसा, कभी नहीं उन्होंने मुझे बोला। इंस्टेड ही यूज टू फील व्हाट आई यूज टू फील। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि जो तू कह रही है वो तेरा वहम है या वो ठीक नहीं है, बट मैं जो भी कहती थी वो कहते थे हाँ अच्छा तू ऐसा फील कर रही है तो फिर तो कुछ सोचना पड़ेगा वे आउट। तो क्या सोचा है तूने? मैंने कहा मैं बीएड करूँगी। तो उससे पहले मैं टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं थी, मुझे बीएड करना नहीं था, लेकिन अब मुझे बीएड करना था, अब मुझे एडमिन से टीचिंग में जाना था सो दैट एवरीबडी रिस्पेक्ट मी। मुझे ऐसा काम नहीं करना था यहाँ पे। तो ही सेड कि अच्छा तो क्या टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है, एडमिन की रिस्पेक्ट नहीं होती? मैंने कहा रिस्पेक्ट होती होगी अपनी जगह पर, मेरी नहीं हो रही है और अब मुझे प्रूव करना है कि आई एम बेटर देन देम, तो मुझे तो कुछ करना है। ठीक है फिर क्या करना है? मैंने कहा बीएड करनी है। चलो ठीक है करते हैं। एंड आई गॉट एडमिशन इन वन ऑफ दी कॉलेजेस इन जम्मू यूनिवर्सिटी। अब क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर था और मीनवाइल यहाँ पे क्या हो गया था कि मार्च 2013 में माय फादर इन लॉ स्लिप्ड इनटू कोमा ड्यू टू सम एक्सीडेंट। तो अब मेरे हस्बैंड के ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक तो फादर इन लॉ की टेक केयर करना और दूसरा मुझे जम्मू लेके जाना वेन एवर इज़ रिक्वायर्ड। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें घर पर मैनेज करनी पड़ी। वैसे तो मेरी मदर इन लॉ यूज टू टेक केयर ऑफ हिम मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जब शिफ्ट्स हम लोग शिफ्ट्स में ड्यूटी करते थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, तो बाकी दो शिफ्ट्स में क्या होगा जब हम लोग चले जाएंगे तो उसमें मैनेज करना। फिर उस वक्त मेरी पूरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, एक्चुअली पूरी फैमिली ने, वेदर दे आर माई देवरानीज, वेदर दे वर माई सिस्टर इन लॉ और राज के मामा जी, मेरे हस्बैंड के मामा जी, सब लोगों ने मिलके फिर ये मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की और बच्चे घर पे रहे मेरे दोनों। तो मेरी मदर लॉ के पास फादर लॉ का फुल टाइम काम, साथ में बच्चों का काम, मेरे सिस्टर लॉ यूज टू काम एंड टेक केयर ऑफ देम, बहुत सारी चीज़ें सब ने मिलकर सपोर्ट किया और फाइनली मैं बीएड में मैंने एनरोल कर लिया। तो बीएड के लिए एनरोल करे हुए मुझे अराउंड 6 months हो चुके थे। तभी एक दिन मेरी डायरेक्टर ने मुझे बुलाया ऑफिस में एंड व्हाट शी टोल्ड मी वाज कि स्वाति कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि वहाँ जो ब्रांच हेड थी हमारी जूनियर ब्रांच की वो जा रही है, तो Why don't you take the charge? And it was like, I will take the charge of that branch. That means I'm going to become a head of a school. And I was looking up and I was wondering, how can God take care of every tiny thing related to me? और वो बहुत सारी चीज़ें और भी थी जिनमें God का मुझे कहीं ना कहीं presence feel हुई। मैं वो भी आगे आपको बताऊंगी वो कौन सी चीज़ें थी, कहाँ कहाँ मुझे लगा कि अगर यहाँ पे गॉड का इंटरवेंशन ना होता तो शायद मैं वो सब नहीं कर पाती। अगेन मैंने बीएड कंप्लीट, मैंने वो पहले ब्रांच हेड का चार्ज लिया एंड सिटिंग इन दैट चेयर आई वाज हैविंग गूजबम्प्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे कि मैं उसी चेयर पे बैठी हूँ जिस चेयर पे बैठ के उस टीचर ने मुझे नाम बुलाने से मना कर दिया था। मुझे बोला था मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ, मैडम कह के बुलाओ। Now I was the madam over there and my B.Ed was going on. Finally in 2015 my B.Ed was completed और now I was eligible for taking up any teaching job anywhere. मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि branch head तो मैं बन गई थी but somehow I was not enjoying there. There were two reasons. One, I was the whole soul in charge of each and everything, whether it's marketing, accounting और curriculum designing और administration, event planning, HR roles, everything I was taking care of. And then second thing is there was no increment in my salary. Promotion post का हो गया था लेकिन salary में नहीं हुआ था। तो again I started striving for something better for me in terms of finances, क्योंकि जब मैंने ये job join की थी in 2011 I was looking for financial independence और अब scene बहुत change हो गया था। मेरे फादर लॉ कॉमा में जा चुके थे, मेरे हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत चेंज हो गई थी। जो एक बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा था मेरे फादर लॉ के साथ वो कहीं ना कहीं डोलड्रम्स में जाने लगा क्योंकि बहुत सारे डेथ्स हो गए, बहुत चीज़ें हो गई जो मेरे हस्बैंड अलोन वॉज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ। तो मुझे उनका साथ देना था, तो इसके लिए मुझे अब तो मेरे को अच्छे फाइनेंस की ज़रूरत थी, अच्छी सैलरी की ज़रूरत थी। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट वे कि अब मुझे ज़्यादा सैलरी कहाँ से मिल सकती है, सो दैट आई कैन सपोर्ट माई हस्बैंड इन अ बेटर वे। तो चलिए छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन टिप ट्राई करते हैं। साड़ी में आप अपने लुक को फटाफट से कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये आपको बताती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो जनरली ये एक नॉर्मल तरीका है साड़ी पहनने का। जनरली ऐसे ब्लाउज के साथ साड़ी पहनते हैं, राइट। अब मैं आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना सिखाती हूँ। तो ये एक तरीका है साड़ी को कैरी करने का। इसमें हम ब्लाउज की जगह, अभी मैंने टर्टल नेक स्वेटर पहना है क्योंकि विंटर्स चल रही है। समर्स में आप टर्टल नेक टी शर्ट या टी नेक टी शर्ट के साथ भी साड़ी कैरी कर सकते हैं। ये आपको एक डिफरेंट लुक देगा। इसी में अगर आपको प्लीट्स बनानी हो पल्ले की, लेट मी शो यू दैट एज वेल। सो दिस इज हाउ यू कैन कैरी साड़ी इफ यू गो टू ऑफिस विद अ टी शर्ट और अ स्वेटर। इट्स अप टू यू, इट्स अप actually this is as per the season you are wearing sari in, and this is quite comfortable. You don't have to like handle sari, just wear it and forget about it. This is the best way to wear sari in an office. Hope you like the new ways of draping saris. बाकी चीज़ें भी आगे मैं बताती रहूँगी और आगे की मेरी जर्नी जानने के लिए प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए। विमेन के लिए मेरा मैसेज है डोंट एवर गिव अप, क्योंकि हम लोग वो ताकतें हैं जो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी, वट एवर वी लाइक वी कैन अचीव। सो नेवर एवर गिव अप एंड डटे रहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।